अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी एग मसाला मैगी। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं मेरे बेटे के लिए मैगी बना रही थी तो उसने कहा मम्मा आप इसकी रेसिपी शूट कर लो, बहुत अच्छा बनता है। और तो मैंने आज सोचा चलो बनाते हैं। देयर आर मैनी रेसिपीज़ फॉर मेकिंग मैगी, मगर आज हम बनाएंगे इसको अंडा मसाला मैगी। इसमें एग मिक्स करेंगे हम, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और बच्चे अगर खाने में अंडे को नखरे करते हैं एक खाने में, तो वो इसके थ्रू खा भी लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसमें एग डला हुआ है। वी विल टेक ए पैन एंड पुट ऑन द फ्लेम। और हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 2 चम्मच घी, देसी घी। देसी घी में बहुत अच्छा बनता है और स्पेशली अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बटर और घी आप दिल खोल के डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि कोई टेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा भी रहेगा। जो हमारा ऑयल वगैरह होता है ये कम से कम ही खाना चाहिए बच्चों को, बड़ों को भी, बच्चों को क्या, लेकिन घी में बनाएंगे आप तो टेस्ट अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे थोड़ा सा जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था, और ग्रीन चिली डाल दूंगी थोड़ी सी, और मैं इसमें एक ओनियन डालूंगी। तो मैं दो पैकेट जो आता है मैगी में वो इतना ही बना रही हूँ। और अगर विदाउट मेजरमेंट के बनाएंगे तब भी आप कम से कम 2 बाउल मैगी में ये वाला मेजरमेंट ठीक रहता है। तो सबसे पहले मैं इसको घी में हल्का सा भून लूँगी, और इसको भूनने के बाद में मैं इसमें मटर भी डाल दूँगी। मेरे पास वैसे ज़्यादा वेजिटेबल थी नहीं, वरना अगर आप चाहें तो इसमें आप गाजर वगैरह जो भी चाहें, वैसे कोई इतना नया नहीं है मैगी बनाना तो डाल सकते हैं जैसा आपके बच्चों को पसंद आए। तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब बटर भी ऐड कर दिया है, और बटर में पहले नहीं डाला मैंने, अब डाला है क्योंकि इसका इसको जलने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसको कुछ डालने के बाद, प्याज वगैरह या सब्जी डालने के बाद आप ऊपर से भी डाल सकते। तो मटर डाल दिए मैंने, तो मेरे पास ये फ्रोज़न मटर नहीं थी वरना दूसरी मटर थी, इसलिए मैंने इसको पहले ही डाल दिया ताकि गल जाए अच्छे से। अगर फ्रोज़न मटर है तो आप फिर मैगी के साथ भी इसमें डाल दें। और अब मैंने इसको टमाटर डाल दिए इसमें, टमाटर आप जितने चाहें डालें, जैसे बच्चे आपके पसंद करते हैं। मेरे बच्चों को टमाटो बहुत पसंद है तो मैंने ज़्यादा ले लिया। तो टमाटो को अच्छे से, जब तक टमाटो थोड़े से डिजोल्व नहीं हो जाते हैं, मैं इसको कुक करूँगी, तो उसके बाद में इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो मैं इसमें अब डालने वाली हूँ जो मैगी के साथ जो पाउच आते हैं मसाले का, तो 2 पैकेट बना रही हूँ मैं, तो 2 पाउच में इसमें मैगी मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने डाल दिया है, और यही ये मसाला ही है बच्चों को मैगी की जान, इसी वजह से वो मैगी के लत लग जाती है बच्चों को भी, इसी मसाले में है जो भी है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, ये ज़रूर डालें। जब आप दूसरा मतलब सेवई वगैरह का सेवई वगैरह के नूडल्स या दूसरे बनाएं तब भी आप इसको खरीद के रखें और ये डालें। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि हमारी मटर वगैरह अच्छे से गल जाए और मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें करीब 1 भर के चम्मच विनेगर डालूंगी, वाइट विनेगर, इससे टेस्ट अच्छा आता है खट्टा खट्टा सा। और वैसे टमाटो थे भी सही इसमें खटाई के लिए, और मसाले में भी ऑलरेडी खटाई होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाला है जिससे बहुत अच्छा आएगा इसका टेस्ट। अब मैंने 1 अंडे को बीट कर लिया था, और मैं हमारे मैगी भी डाल दूँगी, लेकिन मैं 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, एक तो इसको स्टिर करते रहना है, हिलाते जाना है, और एक दूसरा है कि इसको थोड़ा थोड़ा डालना है, तो जो रेशे बनेंगे ना अंडे के वो इसमें रेशे बन जाएंगे। जब गर्म पानी में खोलते पानी में हम डालेंगे इसको, तो इस तरह से इसके रेशे अलग हो जाएंगे और मैगी इसका पता भी नहीं चलेगा कि मैगी में अंडा डाला हुआ है। तो इस तरह से आप हल्का हिलाते जाएँ और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ, तो बिल्कुल ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ जाएगा अंडे का रेशे वाला, और बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम बॉईल करेंगे क्योंकि इसमें एक फिशी सी स्मेल होती है, रो स्मेल अंडे की, वो हमें निकालनी है अब इसमें। तो वैसे हमने इसमें विनेगर डाला था, तो विनेगर से भी इसकी स्मेल अच्छे से चली जाएगी, पकेगा विनेगर के साथ। और हम इसे पानी मतलब बॉईल अच्छे से कर लेंगे तब भी ये आराम से इसकी स्मेल निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ टेस्ट आएगा और स्मेल से पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अंडा डला हुआ है। थोड़ा पानी देख लें आप अपने हिसाब से, क्योंकि बस अब हम इसको मैं इसको 2 या 3 मिनट तक बॉईल करूँगी अच्छे से, थोड़ी फ्लेम को तेज़ करके, ताकि इसकी रो स्मेल निकल जाए। और अब मैं इसमें नूडल्स डाल दूँगी, तो
इस तरह से मैंने इसमें सारे ये नूडल्स डाल दिए हैं जितने मुझे डालने थे, और अब हम इसके नूडल्स को पकने तक, इसके गलने तक अच्छी तरह से इसको बॉईल करेंगे। तैयार हो गए हमारे, गल चुके हैं अच्छे से, पक चुके हैं और मसाला और सब जो एक जान हो चुके हैं। अब हम इसमें तीनों तरह के सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस। तीनों सॉस एक एक चम्मच करीब लिए थे मैंने, तीनों डाल दिए हैं। और इसमें शेजवान सॉस है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा हमारे नूडल्स। तो मैंने ये भी डाल दिए हैं और अब मैं इसको ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, बस थोड़ा सा ही इसको थोड़ा सा उलट पुलट करना है मुझे मसाले को और सॉसेस को डाल के, और बस हमारा मैगी तैयार है। मसाला ठंडा मसाला मैगी और बहुत अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट स्टाइल में है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करना और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रेसिपी से बनाकर। और आगे भी मैं इसी तरह की मैगी मसाले की 2-3 रेसिपीज़ हैं मेरे पास नूडल्स की। वैसे हम ज़्यादातर ब्रांड मैगी ही यूज़ करते हैं इसलिए मेरे ज़बान पे बार बार मैगी चढ़ा हुआ है। वैसे नूडल्स की और भी वैरायटीज़ और भी ब्रांड होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो इसी तरह से आप पास्ता भी बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अब हम इसको थोड़ी देर और ढक दूँगी मैं, और फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। तो बस अब ये जो शेजवान वगैरह ये मसाले डाले हैं ये अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए और बस ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, फिर मैं इसको सर्व कर दूंगी। बस इसमें हरा धनिया डालना है मुझे थोड़ा सा और गरम मसाला स्प्रिंकल करना है ऊपर से। तो गरम मसाला अगर आप चाहें तो गरम मसाला डालें, वरना हर्ब्स आता है पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं हम वो वाला भी डाल सकते हैं आप, या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं आप। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला ऊपर से डाला है और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने इसको सर्व कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इसमें एक तड़का लगाऊंगी बटर का, तो उससे भी ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जिस पैन में मैंने नूडल्स बनाए हैं उसी में मैं 2 चम्मच के करीब बटर लूँगी और उसको मैं अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और इसके ऊपर पोर कर दूँगी। तो जो रेस्टोरेंट में जो बच्चों को मिलता है ये उसी तरह का तड़का है, तड़के वाला मैगी है, तो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। अगर आपको ये पसंद आती है रेसिपी और आप अपने बच्चों के लिए इसको ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।